sister or die. Feel it in my veins tonight. So hey guys, good morning. आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज हम आ चुके हैं काधू नाला, जो कि बनारस और लखनऊ के हाईवे पर पड़ता है। आप पीछे हमारे देख सकते हैं, उधर बनारस और लखनऊ का हाईवे है और उनकी काधू नाला का लोकेशन है। यहाँ का जो भी इतिहास है हम आपको बताएंगे, उससे पहले हम चाहेंगे कि आप यहाँ एक बार इस पूरी जगह को देख लीजिए। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम काधू नाला पर हैं और हमारे पीछे ये जो आप देख रहे हैं गाड़ियां आ और जा रही हैं, ये बनारस और लखनऊ का क्या कहते हैं हाईवे है। और अब हम आपको यहां से जुड़े इतिहास जो हैं वो बता दें। तो आप ये जो देख रहे हैं, ये काधू नाला जो है इसका एक पौराणिक महत्व है और एक क्या कहते हैं स्वतंत्रता से संबंधित इसका महत्व है। तो हम पहले क्या कहते हैं पौराणिक महत्व की बात करें। नाले का जो पौराणिक महत्व है वो ये है कि प्रह्लाद की माँ और हिरण्यकश्यप की पत्नी, जो कि धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और एक उनका जो विश्वास प्रभु के में उनका विश्वास रहता था, उन्होंने नारद मुनि की एक कठोर तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर उनका जो प्रवास हुआ था यहीं पर हुआ था। और बाद में उन्हीं के नाम पर इस यहाँ का जो जगह है उस जगह का नाम काधू नाला पड़ा था, जो बाद में बदल कर काधू नाला हो गया। अगर और इसका जो स्वतंत्रता से हमने बताया, इसका जो इतिहास है वो ये है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी, लोग थे वो यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, यहाँ पर अपनी मीटिंग वोटिंग किए थे। मीटिंग करने के बाद उन्होंने यहाँ से अपने देश की लड़ाई के लिए क्या कहते हैं आह्वान किया था। इस प्रकार से यहाँ पर क्या कहते हैं इस लोकेशन पर आप देखेंगे उस दिशा में, तो वहाँ पर शहीद जो लोग हो गए थे स्वतंत्रता की लड़ाई में, उनके लिए एक गेट भी बनाया गया है। हम आपको गेट भी दिखा देंगे अभी। साथियों, आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। अब हम आपको दिखा देते हैं कि जो काधू नाला है वो कहाँ पर है। और ये अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं, ये एक बहुत ही विशाल जंगल के रूप में है। पीछे रेलवे लाइन है, आप रेल भी जा रही है, आवाज़ भी आ रहा होगा। हमने अभी अपने दोस्त से ये चश्मा लेकर लगा लिया है क्योंकि धूप लग रही थी और पता नहीं अच्छा लग रहा है नहीं, आप लोग बताइएगा। और आगे की ओर हम चल रहे हैं, दिखाते हैं आपको। तो साथियों, अभी हम जो है आ चुके हैं क्या कहते हैं काधू नाला, जो कि काफ़ी समय से हम काधू नाला कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सोच भी रहे होंगे ये काधू नाला है कहाँ। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे पीछे काधू नाला बह रहा है। ये देखिए काधू नाला बह रहा है यहाँ से उधर। ये जो हमारे पीछे वाली लोकेशन है वो उधर आप देखेंगे, लखनऊ और बनारस वाला हाईवे, और इधर देखेंगे तो ये काधू नाला नीचे और ऊपर की दिशा में रेलवे लाइन। तो हम अभी आपको नीचे चलकर वहाँ से भी दिखाते हैं, वहाँ भी मज़ा लेंगे, आपको दिखाएंगे भी। तो साथियों, अभी हम काधू नाला के नीचे आ चुके हैं और ऊपर देखेंगे तो हमने उधर से घूमते हुए यहाँ पर आ गए। और ये पानी का बहाव आप देख सकते हैं, ये पूरा काफ़ी अच्छा है। अभी हम वहाँ जाने वाले हैं, देख रहे हैं किधर से जाते हैं, अभी दिखाते हैं आपको। अब हम बाहर आ चुके हैं और हमारे पीछे जो आप देख सकते हैं इधर ही रेलवे लाइन की पटरी है, जो कि निहालगढ़ से निकलकर ये लखनऊ को जोड़ती है। तो काफ़ी पुराना और नीचे से अंडर पास बना दिया गया, हम आपको दिखा देते हैं।
पहले ये नहीं था, लेकिन अभी जल्दी में आने जाने के लिए अंडर पास बना देगा। ये सीधा रेलवे लाइन के नीचे से होते हुए आपको उस पार लेकर चलिए। हमारे मित्र हैं जो कि आपने काफ़ी देर से देख रहे होंगे, केवल सेल्फी ले रहे हैं अपनी। और ये इधर अगर बात करें तो पीछे मंदिर है, और जो हमने आपको शहीद स्मारक बोला था, बोर्ड और देख सकते हैं उधर पीछे बोर्ड लगा आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ पर शहीद जो हो चुके थे उनके लिए, उनके सम्मान में यहाँ पर एक गेट बनाया गया है जो आप देख रहे हैं। और पीछे जो बनारस और लखनऊ वाला हाईवे बोला था, आप देख रहे हैं गाड़ियाँ आ जा रही हैं, वो बनारस और लखनऊ का हाईवे है जो लखनऊ को बनारस से जोड़ता है। तो साथियों, हम कादू नाला के बाद हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं एक छोटा सा बढ़िया सा बनाया गया है कि ऊपर चढ़कर पूरे जंगल का मज़ा लिया जा सके। हम ऊपर चलते हैं, आपको ऊपर से दिखाते हैं पूरा यहाँ का सीन। तो साथियों, आप लोग देख सकते हैं हम लोग ऊपर आ चुके हैं, और ये पूरा काफ़ी ऊंचाई पर बना गया है। पीछे देखेंगे पूरा जंगल है, और इस साइड में आपको हम दिखा दें, इस साइड में हम आपको दिखा दें जो कादू नाला है। हम लोग अभी उधर गए थे, तो उधर से इधर आ चुके हैं। ये बनाया गया है यहाँ पर, काफ़ी खूबसूरत है, आप देख रहे हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। हम लोगों ने यहाँ थोड़ा फ़ोटो वोटो शूट किया है, इंस्टा पे डालेंगे। और अगर ब्लॉग पसंद आया होगा आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।